राधा स्वामी, आज माघ महीने का सत्संग है। आप सबके लिए माघ महीने की शुभकामना। सुखी रहो। जिस जिस ख्याल से आप मानवता मंदिर में आज आए हो, मालिक आपकी मनोकामना पूरी करे। गुरबाणी में माघ महीने की पहली लाइन में लिखा है, माघ मंजन संग साधुआ दूरी का रसनान। ये पहली लाइन मुझे याद है। उन्होंने कहा है कि इस महीने में तुम क्या करो, साधुओं की संगत करो। अब साधु कौन होता है? जो मन की साधना करता है, जो मन को साधता है, जो मन की साधन करता है, गुरु के नाम पर चलता है, उसको कहते हैं साधु। धूरी कर स्नान, किसकी? उनके चरणों की धूरी जो है उसका स्नान कर। अब देखो कितनी ऊंची बात है। लोग माघ के महीने में कहां नहाने जाते हैं? मकर संक्रांति कहां मनाते हैं? दरियाओं में जाते हैं, जब गंगा में स्नान करते हैं कि हमारा जीवन बन जाएगा। लेकिन जहां संतों ने कहा है कि संतों के चरणों की धूरी में बैठ, उससे स्नान कर, वहां क्या मिलता है? वहां सत्संग मिलता है, वहां नाम की महिमा गाई जाती है, और वहीं जाकर तेरा कल्याण होगा और कहीं कल्याण नहीं होगा, ऐसा महापुरुषों ने माघ के महीने में पहले शब्द में लिखा है। अब ऐसे ही हमारे संत जितने भी हुए हैं, सभी ने अपने अपने विचार से संत मत की, गुरु की, नाम की बड़ी महिमा गाई है कि इंसान जब तक किसी गुरु की संगत में नहीं बैठेगा, उनकी पानी का संग नहीं करेगा, उन पर नहीं चलेगा, अमल नहीं करेगा, उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। ये सबने कहा, मगर क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। आज मैं आपको दो बातें सुनाऊंगा। एक स्वामी जी का पहला शब्द जो माघ महीने का है, उसके बाद स्वामी जी की ही वाणी ही से बताऊंगा कि वो स्वयं क्या लिखते हैं, मन और सुरत के बारे में क्या लिखते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। माघ महीना निकालो अपना। चार लाइने, पांच लाइने, छह लाइने पढ़ो, ज्यादा नहीं। माघ मास आठवां वर्णन लीला और विलास मुकामात का और उनके रास्ते का अंतर में। माघ महीना तीर से भरा, काया बन मन गुलशन हरा। स्वामी जी महाराज ने प्रकृति को देखा बाहर। इसी महीने में माघ महीने के अंत में ये बसंत आती है, फल फूल खिलते हैं कि नहीं खिलते, और खेतों में देखो बसंती फूल आपको नजर आएंगे। वो कहते हैं ये महीना बहुत अच्छा है जिसमें फल फूल खिलते हैं और ये रस भरा होता है। किस बात की करते हैं बात? मुझे नहीं पता कि वो किस रस की बात करते हैं, क्योंकि जो फूल खिलते हैं उनमें रस होता है, उनमें ही रस होता है। जो शहद बनता है, शहद की मक्खियां आती हैं, उनमें से शहद लेती हैं, भमरा मंडराता है, ये सारा उसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही हमारे मन में, बात को ध्यान से सुनना, जब हम गुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करते हैं, तो जब हमारा मन अंदर चलता है, यहां आता है, तो इसमें तरह तरह के ख्याल पैदा होते हैं। और उस जगह का नाम सहस्दल कमल रखा गया है कि वहां सैकड़ों तरह की फूल की पंखड़ियां खिलती हैं, गुलशन खिलता है, फुलवाड़ी खिलती है आपके अंदर, और आपको उस फुलवाड़ी को देखकर बड़ा आनंद आता है। देखते हो ना, आप किसी बगीचे में जाओ, फूल खिले हुए हो, तुम्हें आनंद आता है। ऐसे ही हमारे मन में भी, अगली लाइन पढ़ो क्या है। चमन चमन फुलवारी खिले, बाग बाग नहरे अब चले। और क्या है ये, इसमें एक लाइन में ये भी लिखा,
हो के शरीर जो है वे बन बन गया और उसमें चमन खेलता है। ये लाइन है, देखो पहली लाइन, अगली लाइन नहीं मिला, कोई बात नहीं, चलो पीछे से फिर चलो। गुरु भक्ति और पौध प्रेम की क्यारी धीरज दयानेम की। अब अंदर आपके क्या होता है कि वहां प्रेम एक पैदा हो जाता है, किस चीज के लिए? उस फुलवाड़ी का आनंद लेने के लिए। मन वहां रुक गया। बहुत से लोग इसी चक्कर में वहां आनंद लेते हैं, मन में अंदर तरह तरह के दृश्य देखते हैं, सीन देखते हैं, दृश्य देखते हैं, दरिया देखते हैं, नदियां देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, और चू चू की आवाज सुनते न जाने क्या क्या देखते हैं। जैसी जैसी किसी के शरीर की प्रकृति है वैसी वैसी आवाज वहां आती है। ये जरूरी नहीं है कि जो मेरे मन की हालत है वो आपके मन की हालत हो। ये जरूरी नहीं है कि पत्नी की मन की हालत पति के मन की हालत के साथ मिलती हो। दोनों में फर्क होगा, जैसा जैसा हमारा शरीर बना है, हमारे शरीर की प्रकृति है, हमारे मन के अंदर आशाएं हैं, हमारे अंदर मन के कई तरह की चिंताएं हैं, फिक्र है, उसके अनुसार हमारा मन अंदर दृश्य देखता है, वहां सुख भी लेता है और वहां दुख भी लेता है, और गुरु के दर्शन भी करता है। दूसरी स्टेज पर जाकर आगे पढ़ो। आसे आसे लीला देखी घट में, तरह तरह की लीला घट में देखता है इंसान अपने मन में। अपने आप को देखो, तुम देखते होगे कि नहीं देखते होगे? सभी देखते होंगे लेकिन बताता कोई नहीं है। दिन को भी देखते हैं, रात को भी देखते हैं, स्वप्न में भी देखते हैं। जैसे सारा खेल क्या है? मन का खेल है। अत्यति लीला आसे आसे लीला देखी घट में, मन माली सींचे छिन छिन में। ये किसकी खेल है? मन माली का। माली क्या काम करता है? बगीचा सवारता है, बगीचे को बड़ा सवारता है, अच्छे अच्छे फूल लाता है, ऐसा ही है ना? ये मन माली का खेल है। जब तक कोई इंसान इस खेल में फंसा हुआ है वो उस नाम को प्राप्त नहीं कर सकता जिसका बार बार वर्णन किया गया है। वो उसका स्मरण नहीं कर सकता जो उसका अपना जिंदगी का मकसद है। वो उस स्थान पर नहीं पहुंच सकता जिस नाम का इशारा संतों ने, स्थान का इशारा संतों ने किया है। इसलिए वो मन के ही चक्कर में फंसा रहता है। और एक लाइन पढ़ो। नयन आगे पचरंग फूल पल पल निरखत तिल तिल झूले। अब वहां आनंद ले रहा है वो। ये पहली स्टेज है। आगे की जितनी भी स्टेज है वो ऊंची है, वो आपके समझ में नहीं आएगी। मैं आपको मन से आगे की शुरू कर देता हूं क्योंकि आपको मैं लंबे चक्कर में नहीं डालना चाहता। जैसे बाबा फकीर जी महाराज ने मुझे आदेश दिया, जब मुझे समझाया, जब मुझे बताया कि मन कहां तक है, अब मन की कहानी सुन लो। मन पहली स्टेज पर तरह तरह के विचार पैदा करता है, फुलवाड़ियां पैदा करता है, दृश्य पैदा करता है, मन मोहक चीजें पैदा करता है, सब कुछ आपको अंदर दिखाता है ताकि तुम वहीं ठहरे रहो। जब तक आप गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उन दृश्यों को छोड़कर गुरु के ध्यान में नहीं जाओगे तुम इस मन के चक्कर से नहीं बच सकते। इसलिए उसको कहते हैं पहले सिमरन करो। किसका? किसका सिमरन करो? अपने असली घर का सिमरन करो। तुम कहां से आए हो, कहां जाना है, उस बात का सिमरन करो। और उस सिमरन का रास्ता बताने वाला कौन है? उस स्थान का रास्ता बताने वाला कौन है? वो बाहर का शरीर धारण किए हुए गुरु है। वो क्या बताता है? वो ज्ञान देता है, वो रोशनी बताता है। बिना रोशनी के आपको अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। रात को भी आप जब अंधेरे में चलते हो तो क्या हाथ में लेते हो?
रात को अंधेरे में चलना हो तो तुम कोई ना कोई तो चीज साधन लेते हो ना, बैटरी ले लेते हो, तब जमाना था लालटेन ले लेते थे, अब वो जमाने नहीं रहे। उस समय पहले लालटेन भी जब नहीं थी तो लकड़ियां ऐसी होती थी, उनको आग लगा लेते तो बुझती नहीं थी, उसको लेकर चलते थे। इतिहास बताता है, संसार तरक्की कर रहा है। ऐसे ही वो गुरु जो है वो आपको बताएगा, बच्चा ये मन के खेल को छोड़ और अब तू अपने उस इष्ट का ध्यान कर, उस मालिक का ध्यान कर, उस गुरु का ध्यान कर जो तुम्हें आगे का रास्ता बताएगा। तो आप त्रिकुटी में पहुंच जाते हैं, वहां मन, गुरु का ध्यान और गुरु होता है, तीन चीजें होती हैं। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा इष्ट और तुम्हारे गुरु का रूप वहां होता है और तुम्हारे अंदर ही तुम्हें गुरु दिखाई देता है। और बहुत से लोग गुरु से बातें करते हैं, वो भटक जाते हैं। अंदर गुरु से बात नहीं की जाती, केवल गुरु के रूप का दर्शन किया जाता है, आंख का और उनके मस्तक का। और उस रूप को देखते 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 क्या होता है कि रूप अलोप हो जाता है और आपका शरीर सुन्न हो जाता है। वो दूसरी स्टेज है जिसमें शरीर सुन्न हो जाता है और आपको शरीर की सुध नहीं रहती, आप मन में ठहर जाते हैं। लेकिन सिमरन चल रहा है, क्योंकि सिमरन जो है वो असली घर का सिमरन है। जैसे आपको जो भी नाम दिया गया हो मुझे नहीं पता, राधा स्वामी मत में जो राधा स्वामी, वो क्या मतलब उसका, राधा आद सुरत का नाम, स्वामी आद शब्द पहचान, वो है जगह जहां हमने पहुंचना है। वो राधा स्वामी है, वो और कुछ है नहीं। तो हम वहां उस नाम के साथ जुड़े रहते हैं, उस नाम के साथ जुड़े जुड़े फिर क्या होता है, फिर मन भी साइलेंट हो जाता है, उसको महासुन कहते हैं, महासुन, जिसमें शरीर भी सुन हो गया और मन भी शुद्ध हो गया, तुम्हारी शुद्ध बुद्ध चली गई। जब तुम्हारा मन साइलेंट होने लगता है तो तुम डर जाते हो। बहुत से लोगों ने मुझे कहा, मेरे साथ भी जब बीतती थी, शुरू शुरू जब मैं आरंभ किया था सिमरन दाता के हुक्म के मुताबिक, तो मैं भी डर गया था कि हाय मैं मर चला, क्योंकि मन खत्म होने लगा। मन जो है ये जब साइलेंट हो जाएगा खुद, तो उस वक्त मन की मृत्यु हो जाती है। लेकिन गुरु के इंसान की, गुरु के शिष्य के उस महासुन में डेथ नहीं होती, मरता नहीं है, वो केवल चुप हो जाता है और वहां हमारी सुरत जागती है और सुरत जाकर भंवर गुफा में पहुंच जाती है। वहां वो चेतनता करती है कि मैंने क्या देखा, उसको विश्वास हो जाता है कि अब तक जो मैंने देखा वो मेरे मन का ही खेल था और कुछ नहीं था। बात समझ रहे हो? जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि मेरे मन का ही खेल था, तो वहां उसको गुरु की याद आती है कि अब दाता मेरी मदद करो, फिर वो आपको वहां से प्रकाश में ले जाता है। ये बात मैंने आपको नक्शल में पांच नाम की बता दी। पांच नाम कहां तक पहुंचाता है? केवल भंवर गुफा तक पहुंचाता है, सतलोक उससे बाद आता है। लेकिन यहां तक जाएगा कौन? जाएगा तो वो जो विषयों से जो होयोदासा, जिसकी सब कुछ संसार से उकता गया है, जो इंसान जिसको संसार का ही सुख नहीं मिला, घर में शांति नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, रहने को मकान नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, घर में झगड़े हैं, वो तो वहां जा ही नहीं सकता। क्या कहा मैंने? पूर्ण संपन्न जो होगा, पूर्ण संपन्न कौन होता है? जिसको कोई चिंता नहीं है, जिसका शरीर पूर्ण रूप से तंदुरुस्त है। तंदुरुस्त का मतलब आगे मैं बता देता हूं। अगर मैं नाम अभ्यास कर रहा हूं और मुझे खांसी आ गई, तो मेरा अभ्यास टूट जाएगा। क्या कहा मैंने? और तो बात ही छोड़िए, और दुनिया की बात छोड़िए, मैं तो जहां तक भी अनुभव कर लिया कि अगर मैं बैठा हूं और मेरा मन ठहरा हुआ है,
मेरे सतगुरु की वाणी जो मुझे मिली उसके मैं उसमें मैं उतर रहा हूँ, उसमें मैं गर्क हो रहा हूँ। अगर उस वक्त मेरे शरीर में खलसी आ जाती जैसे अभी आ गई तो मेरा तार टूट जाएगा। इसका मतलब मेरा शरीर अभी पूर्ण रूप से उस दिन नाम जपने के काबिल नहीं है। मैंने अपनी खुराक में कोई गलती की है, कोई ना कोई कमी रह गई है, तो मुझे चिंतन करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए था, क्या कहा मैंने। अब मैं आपको सुनाता हूं दाता स्वामी जी महाराज की वाणी। अब वहां मन और सुरत की बात शुरू होती है। वहां गुरु की दया से आप दो हिस्सों में बट जाते हो, आप शरीर भी भूल गए, आप शरीर की सुन आ गया, मन भी साइलेंट हो रहा है, लेकिन अब गुरु की दया से महसूस होने लगा कि मैं मन भी नहीं हूं, लेकिन मन होते हुए मैं वहां नहीं जा सकता। कहां? जहां गुरु ने मुझे आदेश दिया कि वो है तेरा घर, जे तो नहीं देश तेरा देश है बगाना, जहां सब बगाने बसे कोई नहीं जगाना, दाता दयाल जी महाराज ने लिखा हुआ है। वो कहां है? द्वादश पार साहेब का डेरा, कबीर साहब ने कहा है। द्वादश पार का मतलब क्या है? पांच शरीर की कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां और दो मन और बुद्धि, इन बारह से आगे हमारा घर है। जब तक हम कर्म क्षेत्र में हैं या ज्ञान क्षेत्र में हैं, हम अनुभव क्षेत्र में नहीं पहुंच सकते। तो शब्द निकाला आपने स्वामी जी महाराज का, कौन सा शब्द है? मन, मन जो सुरत को जवाब देता है वो पढ़ो, अगले वाला शब्द दूसरा। अब वहां दोनों की चर्चा हो रही है। सुरत कह रही मन को, पहले शब्द में कहा कि ए मेरे प्यारे मन, तू बड़े देश से मेरे साथ लगा हुआ, जुग जुग से मेरे साथ चल रहा है। एक बात और कह देता, वास्तव में हमें जन्म देने वाली कौन चीज है? कबीर साहब ने एक शब्द में कहा, हमारे मन की वासना हमें जन्म में लेके आए। कोई ख्वाहिश है, कोई अटैचमेंट है, कोई लगाव है, किसी चीज से प्रेम है, तुम्हारा लगाव तुम्हें, मन तुम्हें खींच कर इस दुनिया में लेकर आता है। जब मन नहीं रहेगा फिर आप फ्री हो जाओगे इस दुनिया से। इसलिए श्री परमदयाल जी महाराज कहा करते थे कि अगर आप मुझे मेरे शरीर की पूजा करते हो, पंडित फकीर चंद बल्द पंडित मस्तराम थारा रेलवे मंडी रहने वाला है, वो मेरा गुरु है, तो तुम पार नहीं जा सकोगे। तुम्हें अगर मंदिर से प्यार है तुम पार नहीं जा सकोगे, तुम्हें अगर गुरु की देह से प्यार है तुम पार नहीं जा सकोगे। इसलिए एक बार बाबा सावन सिंह जी महाराज ने हजूर परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे, क्योंकि लोग ज्यादा हरिद्वार जाते हैं ना, तो बाबा सावन सिंह जी महाराज ने कहा कि जिनको हरिद्वार से प्रेम है उनका अगला जन्म हरिद्वार में होगा। तो मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने कहा कि जिनका जन्म हरिद्वार में होगा वो हरिद्वार की मछलियां बनेगी और क्या बनेगा। तो दाता परमदयाल जी महाराज ने कहा यही एक शब्द एक सत्संग में, हरिद्वार की मछलियों को लोग आटा डालते हैं, उनको मारते नहीं है, लेकिन ब्यास की, जिनका ब्यास से प्यार होगा तो उनकी मछलियां कहाँ बनेगी? ब्यास में बनेगी। तो ब्यास की मछलियों को लोग निकाल कर भून कर खाते हैं। कितनी ऊंची बात कही। और कहा कि जो होशियारपुर से प्रेम करेगा, मानवता मंदिर से प्रेम करेगा, वो होशियारपुर में ही पैदा होगा। क्या कहा मैंने? मैंने देखा है बहुत से मंदिरों में कई जानवर रहते हैं, पक्षी, और दिखाते हैं कि कहीं कहीं ऐसे हमारे देश में मंदिर हैं जहां शेर भी आ जाते हैं मत्था टेकने के लिए। वो कौन होते हैं? वो कौन होते हैं? पुराने पुजारी, उनका लगाव है वहां, वही आते हैं, दूसरा कोई नहीं आता।
ये बहुत ऊंची बात मैंने आपको कही है, हम किसी न किसी रूप में यहाँ जन्म लेकर आएंगे। उसकी मिसाल आपको दे देता हूँ, एक जिंदा मिसाल जो मेरे बाबा ने मेरे दादा ने मुझे बताई बचपन में। यहाँ होशियारपुर में एक कोई जगह है, मैं उसका नाम बड़ा खोज रहा हूँ, उन्होंने नाम भी लिया था, वहाँ एक बहुत उच्च कोटि के संत रहते थे और उस डेरे में एक बेरी का दृश्य अब भी है। अब भी साल का बहुत बड़ा मेला वहाँ लगता है, दुनिया बहुत आती है। वहाँ के संत जो थे वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए, तो जो बाहर के लोग रहने वाले थे न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, उनके भक्त थे, शिष्य थे। उन्होंने जाती दफा किसी ने कहा, महाराज अब आप, हम तो जा रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे, 2 साल बाद आएंगे, 3 साल बाद आएंगे, तो हमारे को तो आपके दर्शन नहीं होंगे, तो आप तो चले जाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा। ऐसा मेरे दादा ने मुझे बताया। तो उस महापुरुष ने कहा कि जब मैं चोला छोड़ूंगा तो मेरे जितने भक्त होंगे उनको उनके दिमाग में घंटियां बनाई बजती हुई सुनेगी, घंटियां बज रही अंदर, बापे ने छिरी छोड़ दिया, क्योंकि ध्यान तो हम अंदर ही करते हैं ना। तो क्या वक्त आया, थोड़ा वो ढीले हो गए तो उनका आसन बेरी के नीचे लगाया गया। वो बेरी बहुत बड़ी है, उसको बेर बहुत मोटे मोटे और बड़े प्यारे लगते थे, उनको उनकी चारपाई वहां सिंहासन लगा दिया। तो वहां लेटे हैं, संगत सेवा कर रही है, तो आखिरी जब वक्त आया तो उनके मन में एक ही ख्याल आ गया कि ये बेर जो ऊपर था अगर मैं खा लेता तो बड़ा अच्छा होता, और उसके साथ ही उनके प्राण निकल गए। ये सच्ची बात कह रहा हूं। चलो देखा महाराज जी तो हिल नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर कहते हैं बाबा तो चले गए, कोई ना माने, ये समाधि में गए हुए हैं। डॉक्टर ने कहा समाधि में नहीं गए भाई। तो कहते हैं अगर समाधि में नहीं गए तो उन्होंने कहा था कि जब मैं चोला छोड़ूंगा तो घंटियां बजेंगी, मेरे जितने भी शिष्य होंगे, तो घंटियां तो बजी नहीं। जब 4 दिन हो गए, 4 दिन के बाद एक संत आया वहां। तो मैं अंत की बात बता रहा हूं, अंत मता सुगता। एक संत आया, बड़ी दुनिया इकट्ठी हुई, कहते हुए बाबा जी कहाँ हैं? कहते महाराज बाबा जी का तो 4 दिन हो गए, ना हिलते हैं, ना बोलते हैं, ना खोलते हैं। कहते कहाँ है? वो उनको बेरी के नीचे से बाहर ले आकर रखा हुआ था, दर्शन कर रहे थे लोग। कहते अच्छा, कहते महाराज डॉक्टर भी कहते चले गए हैं, वो है नहीं। तो कहते कहाँ थी इनकी चारपाई जहाँ इनको आपने इन्होंने चोला छोड़ा, कहाँ थे अपना आराम कर रहे? कहते जी बेरी के नीचे अंदर। कहते उठाओ बेरी के अंदर रख नीचे। तो उसी जगह उनका आसन लगा दिया गया। तो संत ने चारों तरफ ऊपर देखा, इधर देखा, तो एक ऊपर बेर पड़ा पका हुआ देखा और उसने वो तोड़ लिया। उस संत ने वो बेर तोड़ लिया, तोड़कर अपने हाथ में रखा, देखा। वो तो पहुंचे हुए संत थे, हो सकता उनके गुरु हो, कौन हो क्या जानता कोई। और कहते कहां तुम्हारा गुरु गया, घंटियां कहां बजती, ये तो यहां फंस गया। अंत में ये सोचा कि मैं खा लेता तो बड़ा अच्छा था, खाते होंगे ना बेर। उन लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि ये ऐसी बात कहते हैं महाराज, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे गुरु तो पहुंचे हुए थे, यहां कैसे होगा। कहते लो फिर बता दूं, ये लो, ऐसे किया और वो कीड़ा निकाल कर हाथ में रख लिया, ले ये देखो ये तुम्हारा गुरु है, ये है, फंस गया, जाती दफा बेर खाने में फंस गया, अब बताओ घंटी बज जाए। सब ने हाथ जोड़ दिए, उसने ऐसे मसला तो सबको घंटियां सुनाई दी। मैंने ये बात क्यों सुनाई, उसी संत की बात मैं तुम्हें आगे की भी सुना देता हूं। वो था या कोई संत और था मुझे नहीं पता, जो संत कर्मदास जी जिन्होंने मुझे 10वीं क्लास में जब मैं खाना छोड़ दिया था कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मुझे गुरु नहीं मिलता,
तो मेरी माता जी उनको बुला कर लाए कि मेरे बेटे ने खाना छोड़ दिया महाराज, चलो मैं बहुत चिंता में हूं। तो वो मेरे घर आए, उन्होंने मुझे चारपाई पर बैठा कर मेरे सिर पर ऐसे हाथ रखा, बेटा तू खाना क्यों नहीं खाता? मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा महाराज जी, आप बताओ आप गुरु हैं, आप मेरे गुरु बन जाओ, मैं खाना खा लूंगा। कहते मैं तो बेटा गुरु नहीं, पर तेरे को गुरु मिल जरूर जाएगा, मेरा विश्वास कर और खाना खा, क्योंकि अन्न छोड़ करे पखंड, ना ओ सुहागण ना ओ रंड। रोटी छोड़ने से गुरु या भगवान नहीं मिलेगा, उन्होंने मुझे खुद खाना खिलाया। वो सुबह जाते थे गांव में, एक घर में उन्होंने मांगना दो चपाती लेनी और जाकर वहां खा लेनी, रात को भी शाम को भी जाते थे, एक घर में जाना दो चपाती लेनी और जाके खा लेनी, बाकी कुछ नहीं, भजन बहुत करते थे। उनका एक लड़का था जो गांव में रहता था, उसकी शादी की मैं लंबी कहानी ले गया ताकि आपको मैं विश्वास दिला सकूं कि संत क्या करते हैं। तो वो बैठे हैं शादी के बाद, उन्होंने उस गुरुद्वारे में एक कमरा बनवा दिया कि तुम बच्चों यहां रहो, यहां रहो। और हर साल वहां बहुत बड़ा मेला लगता था, मैं भी उसमें शामिल होता था, तीन दिन वही रहना, बड़ी सेवा करनी, क्योंकि संत बहुत अच्छे थे। एक दिन एक रुंड मुंड साधु, कोई सिर पर बाल नहीं है, हाथ में डंडा आया, मंद उस गुरुद्वारे में आया और कर्मचंद जी बैठे हैं, उनको आकर गुस्से में बोले, कर्मिया ये चोला तूने क्यों पहना? अगर ग्रीस का ही देखना था सब कुछ छोड़, और जो काम तुम्हें गुरु ने दिया वो कर, और ये कहकर चले गए। और उसी दिन बाबा कर्मचंद जी महाराज ने, छोटा कमरा था उसमें बैठ गया जैसे मैं बैठा हूं, और खाना छोड़ दिया, उसको कहना मुझे किसी ने बुलाना नहीं है, और समाधि में चले गए और चोला छोड़ दिया। मैं अपने हाथों से उनको कब्र में डाला था, मुझे याद है। और वहां से वो हरखुआल एक गांव है यहाँ, वो भी बहुत बड़ा डेरा है, संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज वहां रहते थे, उनके भी मैंने दर्शन किए हुए हैं, बचपन में जाता था मैं वहां, और वो हर वक्त कई सिंहों से घिरे रहते थे, और गुरबाणी के बहुत उच्च कोटि के संत थे, व्याख्या करते थे, वास्तव में वो गुरु के रूप में थे। तो वो वहां चले गए, वहां जाकर उस ज्वाला सिंह बाबा जी को भी क्रोध में बोल ले कि ये क्या तमाशा बनाया हुआ है, ज्वाला सिंह किस लिए आया था, तू भूल गया, ये तेरा काम है ये जमावड़ा बताना। और ये कहकर वहां से वो चले गए। जो उनके प्रेमी थे उनके पीछे दौड़े, जंगल है था उस वक्त वहां, वो कहीं मिलेंगे। बाबा ज्वाला सिंह ने उसी वक्त गुरुद्वारा छोड़ दिया, और डबेली एक गांव है वहां एक छोटा सा डेरा, वहां चले गए और कह दिया कि मेरे मरने के बाद भी मेरा शरीर इस गुरुद्वारे में लेकर नहीं जाना, नहीं लेकर गए। जब उनको लेके आए वहां एक गाड़ी में, तो मेरे गांव में मेरे घर के सामने सड़क है, वहां वो गाड़ी खड़ी गई, लोगों ने वहीं उनके दर्शन किए, लेकिन वहां नहीं जाने दिया जहां उन्होंने आदेश दिया था। और ये नंगल में वो एक जगह है, बड़ी पवित्र जगह है, वहां वो गोविंद सागर में उनके शरीर में छोड़ा गया। ये बातें मैंने क्यों कही? जो इस लाइन में चलता है, गुरु किसी न किसी रूप में आकर इंसान को गाइड करता है कि तू किधर चला गया, क्या कहा मैंने, और वो गाइड करने के बाद फिर क्या होता है, ये होता है जो मैं अब कहने लगा हूं। मन और सुरत का विवाद होता है, आपने कभी नहीं किया अपने सुरत के साथ, क्योंकि अभी तक आपको ये पता ही नहीं है कि मैं मन नहीं हूं। सबसे पहले तुम्हें यह अभ्यास होना चाहिए कि मैं मन नहीं हूं।
मन ही तुम्हारे अंदर में ख्याल पैदा करता है, मन ही अच्छा और बुरा बनाता है, मन ही दुश्मन और अपना प्रेमी बनाता है, मन ही अपना और पराया बनाता है। जब तुम इस बात को समझ जाओगे कि ये मन का खेल है, तुम मन को साइलेंट कर दोगे कि तेरा यहां कोई नहीं। कौन है तेरा? तेरा मालिक है। तू क्यों मुझे डांस करवाता है? इसीलिए कबीर साहब को जब मन से वाह पड़ा, कबीर साहब को भी वाह पड़ा, उसने कह दिया, साधो ये मन है बड़ा जालम, जाक सो इनसे काम पड़ा है, ताको ही है मालूम। बड़ा ऊंचा शब्द है, उनको ने बता दिया। मन पर कौन काबू करेगा? जिस पर दया आद करता की वो ये नियामत पावे, वरना सभी हम मन से मारे हुए हैं। ये मन ने ही धर्म पैदा किए हैं, ये मन ने ही जातियां पैदा किए हैं, ये मन ने ही ये पार्टियां पैदा की है, ये मन ने ही संप्रदाय पैदा की है, बल्कि हम सब तो मालिक के कुल के बच्चे हैं। एक पिता एक किसके हम बालक, हम एक पिता के बच्चे हैं, हम एक आधार है, एक आधार है हमारा, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसकी कोई जात नहीं है, जिसका कोई था नहीं है, जिस अलख है, अगम है, अपार है, उसकी एक हम अंश हैं। वो अंश क्या है? शरीर नहीं, शरीर पांच तत्व का है, शरीर उसका अंग नहीं है। मन क्या है? मन विचारों की पोटली है और कुछ भी नहीं है। मन वासनाओं की पोटली है और कुछ नहीं है। मन इच्छाओं की पोटली है और कुछ नहीं है। मन तुम्हें नाच नचाता है और तुम उसमें आनंद लेते हो। जब तक तुम्हें ये विश्वास नहीं हो जाता, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। इस पर सवार कौन होगा? मन पर जो असवार है सो साधु कोई एक। वो साधु कोई होता है जो मन को साध लेता है, जो अपने शरीर पर नियंत्रण कर लेता है, जो अपने देखने को भी नियंत्रण कर लेता है, जो अपने सुनने को भी नियंत्रण कर लेता है, जो अपने खाने को भी नियंत्रण कर लेता है, जो अपने चलने को भी नियंत्रण कर लेता है। वो कैसा जीवन व्यतीत करता है? साधो सहज समाधि भली, वो सहज समाधि में आ जाता है, उसका जीवन एक रहनी बन जाता है, उसका जीवन उसमें ढल जाता है, वो उसी जीवन में फिर रहता है जो मन से परे है। क्या कहा मैंने? अब क्या कहता है मन, क्या कहता है? सुरत को, सुरत को जब तुम जाग जाओगे, वास्तव में अभी आप जागे हुए नहीं हो, तुम सोए हुए हो। जागोगे तब जब तुम्हारा मन जाग जाएगा, जब तुम्हारी सुरत जाग जाएगी, जब तुम्हें पता लगेगा कि मैं क्या हूं। मैं ना बाप हूं, ना मैं बेटा हूं, ना मैं पुत्र हूं, ना मैं पति हूं, ना मैं गुरु हूं, ना मैं चेला हूं, ना मैं संत हूं, मैं क्या हूं? मैं एक चेतन का बुलबुला हूं। बस बात खत्म हो जाएगी। चेतन के बुलबुले में कुछ भी नहीं होता। चेतन का बुलबुला उसकी मौत से बनता है और उसकी मौत से ही टूट जाता है। उसके मन की कल्पना सभी खत्म हो जाती है। वो ऐसी स्टेज में चला जाता है जहां मन सुरत की बात सुनने लग जाता है। मन किसकी बात सुनता है? अपने अंतःकरण की बात सुनता है। वो ना इधर की सुनता है, ना उधर की सुनता है, ना इधर की करता है, ना उधर की करता है, ना इधर को देखता है, ना उधर को देखता है, ना वो सुनता है दुनिया की, ना वो सुनाता है दुनिया की। वो फिर आपस में दोनों बातें करते हैं, सुरत और मन ही बातें करते हैं, और वहां जाकर मन साइलेंट हो जाता है। कैसे? पढ़ो मन का सुरत के साथ संवाद क्या है। आपने भी सोचना, क्या कभी आपने इस स्टेज का आनंद लिया? क्या ये बात सच्ची है? मैं कहता हूं स्वामी जी महाराज ने 100% नहीं 200% बात ठीक लिखी है। इसलिए केवल संत मत है जो आपको दुनिया से पार कर सकता है, बाकी कोई चीज तुम्हें दुनिया से पार नहीं कर सकती है। केवल गुरु का ज्ञान तुम्हें पार करेगा। गुरु का ज्ञान, गुरु नहीं,
ज्ञान, गुरु ज्ञान है, गुरु नहीं पार करता, गुरु का ज्ञान तुम्हें पार करता है। क्या कहा मैंने, इसलिए गुरु का होना जरूरी है जिससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो सके। और फिर अगर आप गुरु को ही पकड़ कर बैठ गए, इस कमरे में मेरे दाता परमदयाल जी महाराज ने 1980 में मैंने उनको प्रार्थना की, पिताजी आप पिछले साल भी हमीरपुर गए थे, इस साल भी चलिएगा, बहुत अच्छा मौसम है। तो 4-5 दिन आप रहे थे हमीरपुर, मेरे सिर पर हाथ रख दिया, कहते बच्चा अब कब तक इस बूढ़े शरीर के साथ जुड़ रहेगा, इसको आजाद कर दे, छोड़ दे, जो बात मैंने तुम्हें कही वो पकड़ ले, वो ही गुरु है। और सिर पर हाथ रखा हुआ घुमा रहे मेरे सिर पर हाथ, मेरे सिर पर हाथ फेरते फेरते मेरे सारे भ्रम जो थे भी वो भी दूर कर दिए, बात समझ गए। और जब रुचोला छोड़ा मुझे तो बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ कि वो चले गए, और आज भी मैं कहता हूँ वो कहीं नहीं गए। अगर तुम्हारे में उनको उनके प्रेजेंस को कि वो यहाँ हैं विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। गुरु न कभी मरता है ना जन्मता है, उसका वचन ही हमेशा चलता है। इसलिए गुरबाणी में लिखा गया है बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी मन सारे। इसलिए कबीर साहब ने कहा है गुरु को मानुष जानते ते नर के ये अन्न, दुखी हो है संसार में आगे जम का फन, गुरु किया है देखो सतगुरु चीना ना, कहे कबीर तादास को तीनता भरमा। उनका सतगुरु को देखो कहाँ है, बाहर के गुरु की कृपा से तुम्हारा सतगुरु हमेशा तुम्हारे अंदर विराजमान है, वहां तक पहुंच जाओ, दुनिया की कोई चिंता नहीं रहेगी, तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं आएगी, तुम्हें धन भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, तुम्हारी सभी मानो कामना अपने आप पूरी होती जाएंगी। क्या कहा मैंने,